प्रणाम। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। आज सभी को अत्तर पारने की शाता है ना? एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, आप सभी तक भी पहुंचा होगा। पासपोर्ट वालों की सजा राशन कार्ड वालों को दिखाई दे रही है और हमें भी ध्यान रखना है, कहीं जाने अनजाने में हम तो निमित्त नहीं बन गए ना। चलो माना हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर यदि घर बैठे हमारे पास पूरे विश्व में शांति पहुंचाने की ताकत हो और फिर भी यदि हम उसका इस्तेमाल ना करें तो हमसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं होगा। हमारे देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी, जो हर साल चैत्र और आसो के नवरात्रि के उपवास रखते हैं, उनके भी लाइफ में इतने वर्षों में कभी ऐसा क्वारंटाइन उन्होंने भी नहीं देखा, पर उनको तो रात और दिन 130 करोड़ जनता की जवाबदारी, वर्तमान स्थिति को संभालने के साथ भविष्य के आर्थिक स्थिति को भी संभालने की प्लानिंग के साथ वो दिन में 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी फल और एक टाइम खाने का मिले तो खाना, वरना पानी पर भी वे भी उपवास करके उनके इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। मुझे और आपको कोई ऐसी जवाबदारी का भार नहीं है, ना खाने के लिए टाइम मिले ऐसी कोई कटौती है, सिर्फ तकलीफ लग रही है तो वो है जीवा के स्वाद की। क्योंकि जहाँ आइमिल शाला में 40-50 आइटम खाने को मिलती थी, वहाँ 4-5 आइटम ही सही, पर पेट भरने के लिए वो भी घर पर बनाकर तप कर ही सकते हैं। जिनका मनोबल कच्चा पड़ गया है ना, वो भूल रहे हैं कि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति पड़ी है। परम पूज्य आचार्य भगवान तपस्वी रत्न हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो अपने श्रमण जीवन की आराधना में लीन रहकर भी मासक श्रमण के ऊपर 16 उपवास के पचखान लेकर विश्व शांति के लिए दृढ़ संकल्प किया है, तो क्या हम सिर्फ 9 दिन आइमिल नहीं कर सकते? आज याद करते हैं गिरनार के दादा गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो निर्दोष गोचरी के आग्रही थे। उनके साथ परम पूज्य आचार्य भगवान धर्मरक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहेब और परम पूज्य आचार्य भगवान हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जब राजस्थान की ओर विहार काल में थे, तब वैशाख के महीने की कड़ी धूप में भी विहार करके जब स्थान पर आके आवश्यक क्रिया करके आसपास के मंदिरों में दर्शन करते, तो लगभग अरिहंत चैयाणम या चैत्य वंदन नहीं, देव वंदन करके आते और फिर परमात्मा की भक्ति में इतने लीन हो जाते कि दोपहर को 3:30-4 बजे जो मिले जैसी मिले ऐसी निर्दोष गोचरी, पापड़ या पोहा, उसको गर्म पानी में भिगा के भी वापर के भी वे आइम्बिल करते थे। अरे गिरनार की कमाल, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब का ये आइम्बिल का पारना तो अगले भाव में होने वाला है। तो भले हमें हमारी शक्ति पर विश्वास ना सही, पर वीर के और ऐसे भीष्म प्रतिज्ञाधारी गुरु के आशीर्वाद पे तो आपको शंका नहीं है ना? तो बस ज्यादा मत सोचना, शुरू में जीभ और शरीर थोड़ा नाटक करेंगे, पर मन राजा का ऐसा हुकूमत चलाना कि 9 दिन सिर्फ तप और जप, वो भी पक्के संकल्प के साथ, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व की शांति के लिए। कोई उम्र की यहाँ पे मर्यादा मत रखना, और यदि ऐसा लगे ना कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दिनों में तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, अरे इम्यूनिटी अगर कम रहेगी ना और पॉजिटिव ओरा आसपास का स्ट्रांग रहेगा ना, तो वायरस क्या कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके साथ नहीं आ पाएगी। तो आइम्बिल करके अपनी आत्मा पे एक सुरक्षा का मक्कम कवच सिर्फ अपने आप पे नहीं पूरे विश्व के लिए बनाने की शक्ति आप में छुपी है, उसे गंवाना मत। और यदि आइम्बिल ना हो सके, ओली ना हो सके, तो छुट्टे छुट्टे आइम्बिल करने की भावना रखना। यदि वो भी ना हो सके ना, तो इन 9 दिनों में चौवियार का संकल्प करना, उबला हुआ पानी पीने का संकल्प करना, और इतना भी ना हो सके ना तो अपनी एक फेवरेट चीज़ जो शायद हमें लगे कि वो हमारे लिए उपयोगी है पर हमारे आत्मा के लिए वो उपयोगी नहीं, जैसे कि चाय वगैरह, एटलीस्ट ये 9 दिन छोड़ के संकल्प के, विश्व शांति के संकल्प के साथ ये सामूहिक पुण्य बढ़ाने में आप भी सहभागी होना। और ये ओली यानी शाश्वती ओली, जो पर्युषण से भी ज़्यादा मंगलकारी है, महाविदेह क्षेत्र में भी परमात्मा सिमंदर दादा के सामने कई
साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविका ये तप करेंगे, देवी देवता भी परमात्मा की भक्ति में जुड़ेंगे। आइए, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है, इस सत्य को सत्य बनाएंगे और देव भी आकर जल्द से जल्द ये रोग ये अंतराय को दूर कर परमात्मा के दर्शन चालू करवाए। यही नेट प्रैक्टिस के साथ कल पीच पर आप सभी ग्रैंड ओपनिंग करें, यही मंगल कामना। नवी निर्जरा भावना कल अवश्य देखेंगे।